हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बेबी डिजाइनर फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। तो गाइस आज बचे हुए फैब्रिक से अपना बेबी डिजाइनर बेबी फ्रॉक बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारे पास दो पीस है ग्रीन कलर के फैब्रिक के बचे हुए। अब हम अपना एक फैब्रिक का पीस उठाए के और उसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद हम इसकी लंबाई नापेंगे। हमारी जो लंबाई है वो उसकी 8 इंच है। हमें 8 इंच ही अपनी इसकी लंबाई चाहिए। अब यहाँ पर हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। ऐसे एक निशान हम इधर यहाँ भी लगा लेंगे 4.5 इंच पर। और फिर यहाँ से अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा करने के बाद यहाँ पर हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। हम 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पर इसकी चेस्ट का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे और 1 इंच हम आगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे देंगे। अब यहाँ पर हम नीचे अपनी कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम अपनी इसमें कमर रखेंगे 5 इंच और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे और उस निशान को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। यहाँ पर गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स ऐसे ही हम यहाँ पर अपनी इस ड्राफ्टिंग पर कटिंग कर लेंगे। गाइस ये देखिए, हमने अपने आगे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम अपना पीछे वाला पार्ट लेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे और इसकी भी ऐसे ही सेम तरीके से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए, हम अपने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे कि हमारी आगे वाला हिस्सा है। तो यहाँ से अपने गले की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे और यहाँ पर लंबाई 3 इंच रखेंगे। यहाँ पर ऐसे करने के बाद हम यहाँ पर ऐसे करके गोलाई दे देंगे और जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हम अपने गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो 2 इंच रखेंगे और यहाँ पर गले की लंबाई 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही करके गोलाई दे देंगे और उनको दोनों गलों को ऐसे ही करके यहाँ पर भी इनकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे आगे वाले गले की और ये हमारा पीछे वाला है गला है, दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने बैक पार्ट में 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे हुक की पट्टी के लिए। फ्रेंड्स आप किसी भी बेबी का सूट बनाए, फ्रॉक बनाए, कुछ भी बनाए, उसमें ये हुक की पट्टी लगानी बहुत जरूरी है। ये हमने 2 इंच पर ऐसे करके देखिए एक मार्क कर दिया, उसको कट कर लिया है। और फ्रेंड्स जैसे हमने सेम अपने दोनों पार्ट को कट किया है ऐसे ही हम अपने दोनों पार्ट के लाइनिंग भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स इसको रखते हैं साइड में। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने अपने नीचे के पार्ट के लिए अपने फैब्रिक को कट कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो हमने 9.5 इंच रखी है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारे 2 पीस हैं। ये देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हैं, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। 1, 2, 3, 4, ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने अपनी जो चोली बनाई थी उसमें हमने अपनी कमर 5.5 इंच रखी थी, तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर इसको भी यहाँ पर ऐसे ही मार्क करके कट कर लिया है। और नीचे से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पर हमने 6 इंच पर मार्क करके इसको कट कर लिया है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, हमने इसकी लंबाई 9.5 इंच रखी है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम अपनी रफल बनाने के लिए मैंने पट्टी कट की है। ये पट्टी मैंने 4.5 इंच लंबी कट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 32 इंच कट की है। ये देखिए, ये पूरी 32 इंच आ रही है। मैंने अपनी पूरी लंबाई इसकी 32 इंच कट की है। ऐसे ही हमें 4.5 इंच लंबी 6 स्ट्रिप्स चाहिए। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए 2 स्ट्रिप्स कट की हैं। अभी हमें ऐसे ही 4.5 इंच लंबी 6 स्ट्रिप्स चाहिए। ये फिलहाल मेरे पास 2 स्ट्रिप्स हैं, मैं आगे और कट कर लूँगी। फ्रेंड्स अब हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना चोली उठाएंगे।
हमने अपने दोनों फैब्रिक की लाइनिंग को कट कर लिया है। ये देखिए ये हमारी सीधी है, ये हमारा मेन फैब्रिक सीधा रखा हुआ है, हमारी लाइनिंग इस पर उल्टी है। ऐसे ही हम अपने दोनों पार्ट में अपने मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और फिर लाइनिंग को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे अपने आर्म होल में, अपने शोल्डर में, अपने नेक में। ऐसे ही हम यहाँ पर, ये हमारी फ्रंट साइड है, हम यहाँ पर ऐसे करके स्टिच कर लेंगे। और अपने बैक साइड में भी देखें, मैंने यहाँ पर भी ऐसे करके 2 इंच पर कट लगा लिया है पट्टी के लिए, हुक की पट्टी के लिए। अब यहाँ पर ऐसे ही स्टिच कर लेंगे, हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करके स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमें पूरे दोनों पार्ट में ऐसे ही करके स्टिच कर लेंगे। गाइज ये देखिए हमने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। और फ्रेंड्स ये देखिए हमने हुक की पट्टी में यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और यहाँ पर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमें पलटने में आसानी रहेगी। अब हमने देखे यहाँ पर अपने दोनों पार्ट में ऑलरेडी कट लगा लिए हैं, अब हम इसको यहाँ पर ऐसे करके पलट लेंगे। इसको यहाँ पर ऐसे ही करके हम अपने दोनों पार्ट को पलट लेंगे। ऐसे ही हम अपने दूसरे पार्ट को भी पलट लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हम अपने दोनों पार्ट को पलट लिया। अब यहाँ पर हम एक पैर के मार्जिन की सिलाई लगा लेंगे, ये हमारा इससे सब मार्जिन यहाँ पर दब जाएगा और हमारी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। फ्रेंड्स अपना यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम अपने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके सीधा रखेंगे और यहाँ पर अपने शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। हमने अपने दोनों यहाँ पर ऐसे करके कंडी की सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट में। और ये देखिए मैंने इसके यहाँ पे शोल्डर को भी स्टिच कर लिया है। फ्रेंड्स हमारी चोली बनकर रेडी है, हम अपने नीचे के पार्ट को रेडी करेंगे। इसको रखते हैं हम साइड में। ये देखिए हमारा नीचे का पार्ट है, इसको मैंने यहाँ से नीचे के साइड से डबल फोल्ड करके सिल लिया है। और ऐसे ही मैंने अपने दूसरे पार्ट को भी, दोनों पार्ट को भी डबल फोल्ड करके सिल लिया है। फ्रेंड्स अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम, मैंने जैसे आपको बताया था, हमने अपनी पट्टी ली थी 4.5 इंच लंबी, इसको भी हम एक साइड से नीचे से डबल फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी पट्टी को एक साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। और एक साइड डबल फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड हम एक ऐसे बड़ी करके सिलाई लगा लेंगे। और बड़ी करके सिलाई लगाने के बाद हम ये देखेंगे हमारे दो धागे हैं। ये देखिए ये हमारे दो धागे हैं, हम एक धागे को कुछ इस टाइप से पकड़ के खींचेंगे। और देखिए कुछ इस टाइप से प्लेट आ चुकी है और उनको हम ऐसे करके इकट्ठा करते चले जाएंगे और धीरे धीरे हल्के हाथ से एक धागे को ऐसे पकड़ के खींचेंगे। आप धीरे को टाइट ना खींचे, धीरे से धागा टूट जाएगा और हमारी सारी प्लेट्स ख़राब हो जाएंगी और आपको दोबारा ऐसे सारे में सिलाई लगानी पड़ेगी। आप ऐसे धीरे धीरे करके इसमें ऐसे करके प्लेट्स डाल लें। ऐसे ही करके हमें इसमें अपनी पूरी प्लेट, पूरी पट्टी में ऐसे ही करके प्लेट्स बना लेनी है। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें ऐसे 6 पट्टी चाहिए, हम अपनी पूरी 6 पट्टी में ऐसे ही करके यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। हमने अपने यहाँ पर ऐसे करके 3 प्लेट्स बना ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1, 2 एंड 3। ये देखिए अपने ऐसे करके तीनों प्लेट्स बना ली है अपनी। अब यहाँ पर हम अपनी इस नीचे वाले पार्ट को उठाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे रखकर इसको जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स ऐसे ही करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम अपनी पट्टी को यहाँ पर 2.5 इंच के गैप से ऐसे एक निशान लगाएंगे, फिर यहाँ भी ऐसे ही 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी ये वाली फ्रिल लगा लेंगे ऐसे करके। और फिर ये वाली फ्रिल लगाने के बाद हम यहाँ पर अपनी जो हमने लाइन ड्रॉ की है, हम यहाँ पर ऐसे करके अपनी दूसरी फ्रिल लगाएंगे। एक फ्रिल के ऊपर ऐसे करके दूसरी फ्रिल लगाएंगे और ऐसे ही इसको भी ऐसे ही करके पलटेंगे। और इसको पलटने के बाद यहाँ पर भी ऐसे ही 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस निशान को भी ऐसे ही 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद इस निशान को भी मिला लेंगे। और इस निशान को मिलाने के बाद यहाँ पर भी ऐसे ही लास्ट में भी फ्रिल लगा लेंगे।
फ्रेंड्स ये थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है, जब तक हम इस पर स्टिच नहीं करेंगे सेट नहीं होगा, थोड़ा ऐसे रहेगा। ऐसे करके हम तीनों फ्रिल लगा लेंगे। और फ्रेंड्स ऐसे हम अपने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लेंगे, ये हमारे दो पार्ट होंगे, हम अपने दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही करके रेडी कर लेंगे। हमने अपने दोनों पार्ट को ऐसे करके रेडी कर लिया है, ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। हम दोनों पार्ट को ऐसे करके रिफिल बना ली है। अब हम अपने ऊपर की चोली को ऐसे करके खोलेंगे और ये हमारी सीधी साइड है। अब इसको यहाँ पर ऐसे करके उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही अपने दूसरे पार्ट को लेंगे और इसको भी ऐसे ही करके इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे और हम एक लंबी पट्टी लेंगे और उस लंबी पट्टी को यहाँ पर हम ऐसे कर जैसे हम नाड़ा सिलते हैं ऐसे करके डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। ऐसे ही करके हमें दो स्ट्रिप्स बना लेनी है। हमने अपनी दोनों फ्रिल को ऐसे करके सेट कर लिया है, ये देखिए। और ऐसे ही मैंने अपनी इस वाली फ्रिल को भी लगा लिया है। ऐसे ही करके अपने पूरे फ्रॉक को ऐसे ही करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे और उसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। हम यहाँ पर अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे, 1 इंच का मार्जिन इधर देंगे और 1 इंच का मार्जिन हम इधर देंगे। और यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो 10.5 इंच आई है, ये बहुत है इतना। और ये ऐसे ही हम अपनी कमर पर निशान लगाएंगे, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर छोड़ने के बाद, ये देखिए ये 9.5 इंच है, इतना काफ़ी होगा। ये बच्चे को बिल्कुल ठीक आएगा, बिल्कुल फिट भी नहीं आएगा, बच्चा उसको कम्फर्टेबली पहन सकेगा। ऐसे करके हम यहाँ पर हमने ये देखिए ड्राफ्टिंग कर ली है, इस पर भी हम यहाँ पर ऐसे करके स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर ऐसे स्टिच करने के बाद इन फ्रिल को भी साथ साथ जोड़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स ऐसे ही हम अपने दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, मैं ऐसी दो स्ट्रिप्स बना लेनी है। हम यहाँ पर फिटिंग के साथ साथ अपनी स्ट्रिप को ध्यान से देखिएगा, अपनी स्ट्रिप को हम ऐसे करके रखेंगे और यहाँ पर ऐसे करके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी स्ट्रिप है, हमने इसको यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ स्टेप से करके रखा है। जहाँ पर हमारी कमर का निशान है लगा हुआ, वहाँ पर हमने इसको ऐसे करके रखा है और यहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्ट्रिप लेंगे और उसको भी यहाँ पर ऐसे ही कमर के निशान पर रखेंगे और उसको अंदर की तरफ रखेंगे। दोनों तरफ हमें अंदर की तरफ रखनी है, अपनी स्ट्रिप बाहर की तरफ नहीं रखनी है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी अपनी स्ट्रिप को रखेंगे और यहाँ पर भी निशान फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और नीचे से साथ में यहाँ पर अपनी स्कर्ट और अपनी फ्रिल दोनों को जॉइन कर लेंगे। फ्रेंड्स ऐसे करके हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों तरफ अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको उसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा फ्रॉक बनने के बाद कुछ स्टेप्स इसका गेटअप आया है। ये पीछे हमने डोरी यहाँ पर ऐसे बांधने के लिए लगाई है। फ्रेंड्स ये देखिए और यहाँ पर हम पीछे अपने हुक और आई बना लेंगे। हमारा फ्रॉक बनकर रेडी है। फ्रेंड्स ये देखिए कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।